कुछ याद है आप लोगों को क्या पढ़ा था आपने? पॉलिनोमियल्स एक बार रिवीजन हुआ था, का पूरा कर चुके हैं? एंड एक बार किया भी। अच्छा, तो फिर और कौन सा चैप्टर रह गया है हमारा जो हमें रिवीजन करना बाकी है? एक मिनट, मैं आपके स्लाइड्स ही ओपन कर रही हूँ यहाँ पे। आप लोग तो कुछ कह नहीं रहे हो। आज आप लोग मूड में हो कि लोहरी मना रहे हो सब फेस्टिवल? सब फेस्टिवल मना रहे हैं, पढ़ाई का उतना मूड नहीं है, बस कुछ लोगों का है। कोई बात नहीं है, नव्या का क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा, उनको लिंक चाहिए। कोई बात नहीं है बच्चों, आज हम लोग कुछ हल्का फुल्का सा ही पढ़ेंगे जिससे आपका फेस्टिवल का मूड भी ना स्पॉइल हो एंड पढ़ाई भी हो जाए। स्कूल के एग्जाम्स कब है आपके, फाइनल वाले? मैं मार्च 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 में है। ओके, ठीक है। चलिए, मैं क्या करती हूँ कि आपको पॉलिनोमियल्स का रिवीजन करा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो चैप्टर थोड़ा एग्जाम के लिए भी जरूरी है। और ठीक है, मतलब आप उसको थोड़ा इंटरेस्टिंगली कर भी पाओगे, इजी भी है, वही करते हैं। नव्या का क्लास ज्वाइन हो गया? आज हम लोग थोड़ा कम ही पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा जा चुका है एंड बचे हुए टाइम में आप जो भी क्वेश्चंस कर पाओ वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस, अभी जाकर नव्या का ज्वाइन हुआ है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नव्या, आज हम लेट नहीं, काफी लेट है ना क्लास के लिए, बहुत लेट हो गया यस क्लास। मैम। सारे लोग परेशान हो रहे हैं, अरे कब हमारी क्लास शुरू होगी? देखो, चैप्टर डिसाइड करने में टाइम लग गया कि करवाएं क्या, वरना तो आपकी क्लास शुरू कर देती मैं। एंड थोड़ा सा लेट ज्वाइनिंग भी हुआ है। सो चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल्स। अब क्वेश्चंस आपको धड़ाधड़ दूंगी करने के लिए। और डेट क्या है आज का? 13 है ना, 13/1/24, एंड लेक्चर नंबर 1 है। टॉपिक आपका वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं देती हूं। फाइंड ऑल द कॉमन जीरोस। आप मुझे ये बताना कि क्या आपने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड किया ठीक है? ठीक है, अगर किया है तो इसको करिए। फाइंड द ऑल द कॉमन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 5x²
माइनस नाइन एक्स माइनस 45, ठीक है, एंड दूसरा है एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 15x. इन दोनों का कॉमन जीरोज आप थोड़ा फाइंड कीजिए. पांच मिनट का टाइम इसके लिए आपको मिलेगा. अगर उसमें हो जाता है तो ठीक है, जो नहीं होता वो मैं कराऊंगी.
यस दिव्यांश, आप बोल नहीं रहे हो कुछ भी, बताइए। -5 है इनके कॉमन जीरोस। -5 एंड -3 यानी 5। ओके, कैसे निकाला आप लोगों ने इसको? -5 एंड -3 ना, कॉमन जीरो। मैम मेरे को तो -5 ही मिला सी। दो आएंगे। और आज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मेरा ये जो लिंक है ना, मतलब थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। आपको याद है आपका क्लास कैंसल हुआ था इससे पिछला वाला, टेक्निकल इश्यू की वजह से? यस मैम। तो बार बार क्या हो रहा है कि मैं बार बार क्लिक कर रही हूँ, बट ये जल्दी से क्लिक नहीं हो रहा, तो मुझे टाइम लग जा रहा है और मतलब हर एक चीज को ओपन करने के लिए। तो मैंने ये आपको बता दिया आज के लिए। पता नहीं क्यों इस लिंक के में हो रहा है, क्या टेक्निकल इश्यू, नहीं समझ आ रहा मुझे। कॉमन जीरोज और -5 एंड -3 है इसके, कैसे होगा देख लीजिए। x³ + 5x² - 9x - 45 = x² x + 5 - 9x + 5। ठीक है, x + 5 x² - 9। आप भी करोगे तो ऐसे ही करते ना, फैक्टराइज अगर करते तो यहां से ओके आपको कितना मिलेगा? एक तो x+5 मिलेगा, और एक मिलेगा x+3, और एक मिलेगा x-3। ठीक है, ये मिलेगा आपको। उसके बाद x³ + 8x² + 15x = x, इसको कैसे करोगे? x² + 8x + 15 विच इज इक्वल्स टू x × x+5 × x+3। ठीक है, तो यहां से आपको यस कॉमन जीरो, मतलब x+3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो x = -3। x+5 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब x = -5। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर टू, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है आपको ये बताना पड़ेगा, और नॉट। 6x² - x - 2, x = -1/2, x = 2/3। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को आपको चेक करके बताना है, तो इसको तो आराम से बता लोगे। 2 मिनट के अंदर इसको करिए प्लीज। मैं म्यूट कर रही हूँ अपने आप को ताकि मैं कुछ बोल ना दूँ बीच बीच में।
बच्चों, क्लास चल रही है मेरी, हुआ सॉल्व? हाँ ये 2 महीने हाँ जी, मैम, इनमें से 0 है नहीं कोई केस पॉलिनोमियल का। हाँ दोनों का ही जीरो आएगा आपका। सबको जीरो मिला है क्या? इसमें ठीक ओके है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो डिटरमाइन वेदर द पॉलिनोमियल्स और वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 2x-4 वेयर एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 2 और एक्स इक्वल्स टू -2√2। इसकी भी वैल्यूज एग्जैक्टली उसी तरीके से निकाल के देखिए जैसे आपने पहले का निकाला था। हाँ बताइए। अरे मैम मैं कोई भी एक वैल्यू पुट करनी है। नहीं, आपको दोनों वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, कोई भी एक नहीं, दोनों का चेक करके निकाल के देखना पड़ेगा। फिर आप बताओगे अगर किसी का जीरो आ रहा है तो ठीक है, या किसी को पॉलिनोमियल वैल्यू मिल रही है तो भी ठीक है।
मैम एक्स इक्वल टू रूट टू मैम सॉल्यूशन है, और एक्स इक्वल टू माइनस टू रूट टू सॉल्यूशन नहीं है। हाँ जी बताइए, क्या आंसर कह रहे हो आप लोग? मैम एक्स इक्वल टू रूट टू मैम सॉल्यूशन है, और एक्स इक्वल टू टू रूट टू सॉल्यूशन नहीं है। तो दोनों का तो आंसर 0 ही आया ना, तो कैसे सॉल्यूशन है? सोनाली ने भी हैंड रेस किया है, दोनों का तो 0 है। तो यस मैम, पहले तो मैम उसकी वैल्यू पुट करनी है मैम, जैसे कि मैम एक्स इज इक्वल टू मैम रूट अंडर रूट टू मैम एक्स प्लस अंडर रूट टू माइनस माइनस तो दोनों में 0 आ रहा है ना, दोनों पुट कर रहे हो तो यस मैम ठीक है। फिर मैम एग्जाम नहीं, आप एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन रहेगा आपका। डिटरमाइन वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, 3x+8, 2x+5। एक्स इक्वल्स टू 2, 2/3। ये क्या है? मिक्स डिफ्रैक्शन है। ठीक है, नॉर्मल नंबर नहीं दिया गया है, ये मिक्स डिफ्रैक्शन है। एंड एक एक्स है आपके पास 2 1/2। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके तब ये सॉल्व होगा। हम कन्वर्ट किसको करना है? मिक्स जो फ्रैक्शन को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व होगा ना। यस मैम देखो इसको,
हो गया बच्चों ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। आप चलो मैं कराती हूँ इसको ना, वरना आप बोलोगे एक भी नहीं कराया हमें, सब हमें ही दे दिया करने को। 3 2 जा कितना होता है 6, 6 + 2 8/3 विच इज इक्वल्स टू, अब क्या करोगे, 3 × 8/3 + 8, नेक्स्ट इज 2 × 8/3 + 5, तो ये कितना मिलेगा, 3 3 गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पे कुछ कैंसल नहीं हो रहा है, सो 8 + 8 एंड 16/3 + 5 कितना होगा, 16 × 31/3 विच इज इक्वल्स टू 496/3। अब आप मुझे ये बताइए आपको इतना मिला या नहीं मिला, मैम मिल गया। मिल गया यस मैम। तो और क्या बाकी, और भी कुछ बाकी है, दूसरा क्या है, 2 2 4 + 1 5/2, p 5/2 कितना होगा, 3 × 5/2 + 8, नेक्स्ट में 2 × 5/2 + 5, इसका आंसर आपको 155 मिलेगा। दूसरा वाला भी मिल गया क्या, यस मैम। चलो फिर दूसरा वाला भी मिल गया तो बल्ले बल्ले हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी तक आप जीरोस प्रूव कर रहे थे ना, अब आप फॉर्म कीजिए, फॉर्म द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, यहाँ पे आपको सीधे सीधे जीरोस दे दिया है, 4 + √2/2, 4 − √2/2, ठीक है, आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, कैसे करेंगे, क्या आपने पॉलिनोमियल फॉर्म करना सीखा है जीरो से, नहीं। फॉर्मूला होता है देखिए, सम ऑफ द जीरोस विच इज इक्वल्स टू, आप इसको सम करोगे, 4 + √2/2 + 4 − √2/2, इसका आपको दो स्टेप्स में कुछ आंसर मिलेगा, फिर एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, हो सकता है आपने पहले नहीं सीखा होगा ये क्वेश्चन, अभी सीख लोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अगेन आप क्या करोगे, इनका प्रोडक्ट करोगे, 4 + √2/2 × 4 − √2/2, ठीक है, ये आपको कितना मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, आप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो जो दिया हुआ है, मैम चलिए इसको ही सॉल्व करके बताइए, जो उन दोनों को सॉल्व करने से आएगा फिर मैम उसको वैसे ही देना है। हाँ उस वो ही आंसर होगा आपको, जो दो आंसर आएंगे ना उसके बाद आप क्या करोगे, पॉलिनोमियल लिखोगे, जैसे कि x² + या - समथिंग आएगा, जो भी वो x में आएगा, फिर प्लस या माइनस जो भी आएगा आपका थर्ड वाला वैल्यू आएगा, पहले इसको निकाल कर बताइए फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ।
इसका आंसर निकल गया। मैम जो मल्टीप्लाई के अंदर हमें उसका आंसर 2 आया, और मैम जो प्लस के अंदर है उसका आया 2+√2+2−√2। अच्छा ऐसे आया, इसमें ऐसे तो नहीं आना चाहिए था। आपको बता दूं, पहले वाले का आंसर आएगा 4 और दूसरे वाले का आएगा 7/2। ये नहीं आ रहा है आपका, रुकिए मैं ही करा देती हूँ उसको। सम ऑफ 0 है 4। हाँ श्रुतिका का आ गया ना, सम ऑफ जीरोस 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया? ये 4 आएगा, ये आएगा 7/2। से ये 4 कैसे आएगा? बहुत इजी है, आपने अगर इसको एलसीएम ले लिया, 2 लोगे तो ये होगा 4+√2+4−√2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे कैंसल हो गया। 4+4 कितना हो जाएगा? 8/2। तो 2 4 8 होता है, उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 में से एक क्या आएगा, 7/2 आएगा। यहाँ पे आएगा आपका 4x जो कि माइनस में, एंड ये आ जाएगा +7/2। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जो आपको फॉर्म करना था। ठीक है, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ बताइए दिव्यांश। x² के बाद माइनस कैसे आएगा? आप जब किसी चीज का रूट से वैल्यूज निकालते हो तो कैसे निकालते हो? प्लस माइनस में निकालते हो ना, इसमें प्लस में माइनस में ऐसे निकालते हो। यहाँ पे -4x एंड जो सम ऑफ द जीरोज हैं, एक्चुअली वो उसका एक फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में होना ही है, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं c/a, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आएगा वो प्लस में होना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यस क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ax² + bx + c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β². ठीक है, सॉल्यूशन अगेन, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पहले तो सम ऑफ जीरोस लेना है जो कितना हो जाएगा α+β, जैसे मैंने आपको बताया -b/a। फिर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लोगे ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कितना हो जाएगा, दिस विच इज इक्वल्स टू α/β विच इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, देन क्या करोगे, मैं ही कर देती हूँ सी, -b/a द होल का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर -2 × c/a + 0। ठीक है, इसमें दिस इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा b² / a² - 2c/a, विच इज इक्वल्स टू b² - 2ac/a² एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, यस मैम, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। आज थोड़ा क्लास आपको बोरिंग लग रहा होगा, आई नो बहुत लोग क्लास छोड़कर जा भी चुके हैं, और ट्यूसडे से मैं नया टॉपिक करवा दूंगी तो सही रहेगा, पॉलिनोमियल्स में ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म पॉलिनोमियल √3 एंड 3 − √3, इससे आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। मैं आपको बताती हूँ पॉलिनोमियल फॉर्म करके आएगा क्या, ताकि आप लोग उसको कभी भी कर सको। x²
-6x + 6, एक बार चेक करो आता है फॉर्म करके, जरा इसको ट्राई करना। मैम आ गया। आ गया क्या आपका? यस मैम। ओके फाइन देन। अब ऑल क्वेश्चंस मैं आज के लिए नहीं करवा रही हूँ बच्चों, आज आप रेस्ट करो, अपना फेस्टिवल एंजॉय करो। अब फिर हम मिलेंगे कब? ट्यूसडे को, ठीक यस है? मैम। यस वैसे मैम। भी सारे लोग जा चुके हैं, हम ही बचे हुए हैं। मैं तो अभी देख रही हूँ खाली 7 बच्चे बचे हैं क्लास में, सब लोग चले गए। सबने बोला पता नहीं यस क्या ही क्लास हो रहा है, इसको अटेंड करने से अच्छा यहाँ से निकल जाओ चुपचाप। ठीक, कोई बात नहीं, आप लोग भी जाइए, मिलते हैं ट्यूसडे को। बाय मैम। गुड नाइट बाय मैम। बाय।